दोस्तों आज की वीडियो में बात करूंगा कि इलेक्ट्रिसिटी बिल को कैसे रीड करते हैं, क्या क्या कैलकुलेशन होती हैं वो भी प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा, और क्या क्या पैरामीटर होते हैं जो इंटरव्यू में हमसे पूछे जाते हैं प्रॉपर तरीके से आपको बारीकी से एक एक चीज़ समझाऊंगा। बस आप वीडियो आखिरी तक देखें। दोस्तों मैंने 3 से 4 बिल इकट्ठे किए हैं इस वीडियो को बनाने के लिए, जो नॉन डोमेस्टिक बिल्डिंग होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग, वो भी मैं आपको समझाऊंगा, जहाँ HT मीटर लगे होते हैं। और इसी वीडियो में आप सीख जाएंगे 3 फेज LT कनेक्शन के बारे में कि उसका हम बिल कैसे रीड करेंगे, और इसी वीडियो में आप समझ पाएंगे कि सिंगल फेज का जो घरेलू कनेक्शन होता है उसके बिल को कैसे रीड करते हैं, क्या क्या पैरामीटर होते हैं, तो प्रॉपर तरीके से आपको दिखाता हूं। दोस्तों आप देखेंगे मेरे पास एक दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम का इलेक्ट्रिसिटी बिल है, जहां ऊपर आप देखेंगे अकाउंट नंबर। ये अकाउंट नंबर एक्चुअल नहीं है, मैंने आपको दिखाने के लिए यहां पीछे 0 कर दिया है, आप इसको इसकी वेबसाइट से डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। दोस्तों टॉप सिरे पर हमें कंपनी का नाम और एड्रेस दिया जाता है, उसके बाद अकाउंट डिटेल है, इससे हमें अभी कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ ये देखना होता है कि इस बिल का ड्यू डेट क्या है। आप देखेंगे कि इस बिल का ड्यू डेट है वो 13 जनवरी 2022 है। अगर 13 जनवरी तक इस बिल को हम पे नहीं करेंगे तो इसके ऊपर सरचार्ज लगा दिया जाएगा। सरचार्ज को आप ब्याज समझ सकते हैं, जो 34,452 है। अभी हमारा पेमेंट है वो 24,10,371 है। सरचार्ज को ऐड करने के बाद ये 24,44,823 रुपये हो जाएगा, अगर 13 तारीख तक इसको जमा नहीं करते हैं तो। सबसे मेन और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होता है, इसके बाद कुछ और बेसिक पॉइंट होते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कनेक्शन डिटेल की। कनेक्शन डिटेल में आप देखेंगे कि यहाँ टैरिफ कैटेगरी लिखा हुआ है, टैरिफ कैटेगरी की जगह पर आपको सप्लाई टाइप भी देखने को मिल सकता है, और इधर आप देखेंगे कि यहाँ HTS लिखा हुआ है, HTS या फिर आपको NDS देखने को मिल सकता है। इन दोनों का मतलब होता है, NDS का मतलब हो गया नॉन डोमेस्टिक सप्लाई, और HTS का मतलब हो गया हाई टेंशन सप्लाई। तो हमें पता लग गया ये हमारा HT का बिल है, ये LT का बिल नहीं है। आपको दूसरा बिल दिखाता हूँ, वहाँ टैरिफ कैटेगरी या सप्लाई वोल्टेज में LT लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे हमारा एक BSES का बिल है, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, दिल्ली के अंदर अपना पावर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट करता है, कहीं और भी करता होगा बट मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे कि सप्लाई टाइप हमारा LT है, ऊपर हमने देखा था टैरिफ कैटेगरी में HT लिखा था, यहाँ पर LT है, तो हम प्रॉपर तरीके से समझ पाए हैं। मीटर टाइप भी यहाँ पर 3 फेज लिखा हुआ है कि हमको ट्रांसफार्मर से एक केबल दे दी जिसमें RY और न्यूट्रल आ रहा है। हमारा पर्सनल खुद का ट्रांसफार्मर नहीं लगा होता है इस बिल में, जहाँ LT कनेक्शन होते हैं। अगला पॉइंट होता है हमारा सप्लाई वोल्टेज। सप्लाई वोल्टेज हमने पीछे देखा था LT था, और यहाँ 11 kV है, तो ये HT कनेक्शन है। दोस्तों अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है सैंक्शन लोड। सैंक्शन लोड आप देखेंगे यहाँ पर 4850 किलोवाट का है, इसको हम कनेक्टेड लोड भी बोलते हैं। जब आप कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू में कि आपकी कंपनी का कनेक्टेड लोड कितना था, तो आप सैंक्शन लोड बताओगे। एक यही पॉइंट और होता है जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट डिमांड बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपका कनेक्टेड लोड है वो 4850 किलोवाट का है। फ्यूचर में अगर आपको अपना लोड बढ़ाना है, मान लीजिए आपने कोई प्लांट और लगा दिया अपने इंडस्ट्री में, जैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो गया या फिर ETP हो गया, ऐसे करके अगर हमारा लोड बढ़ता है तो हम इसको कॉन्ट्रैक्ट डिमांड में डाल देते हैं, जिससे कि जो कंपनी हमारा ट्रांसफार्मर लगाएगी वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट डिमांड के हिसाब से लगाएगी। जो भी ब्रेकर लगेगा वो सब हमारा कॉन्ट्रैक्ट डिमांड के हिसाब से लगेगा। कल को हमने कोई बड़ी मोटर लगा दी तब भी हमारा लोड बढ़ जाएगा, तो इसीलिए हमको बार बार अपने इक्विपमेंट चेंज ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं हमारे ब्रेकर। तो कॉन्ट्रैक्ट डिमांड में आपको एक दूसरे बिल में दिखाता हूँ, यहाँ पर वो मेंशन नहीं है, इन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट डिमांड दिया नहीं है। दोस्तों मेरे पास एक कंपनी का और बिल है, ये भी हमारा हरियाणा बोर्ड का है। यहाँ आप नीचे मीटर और टैरिफ डिटेल में जाएंगे तो यहाँ देखेंगे कि कनेक्शन लोड या कनेक्टेड लोड हमारा 850 किलोवाट का है, और यहीं नीचे देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट डिमांड है वो 940 है, 90 किलोवाट इन्होंने ज़्यादा रखा है अपना, कि फ्यूचर में हमारा मोटर का रेटिंग बढ़ता है या फिर हम कोई बड़ी मोटर लगाते हैं तो हमें अपने जो ब्रेकर हैं उनको चेंज ना करना पड़े। हमारा जो बिल आएगा, जो भी सर्विस चार्ज लगेंगे, वो 850 किलोवाट के हिसाब से लगेंगे। अगला पॉइंट हमारा MDI है। MDI का मतलब होता है मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर। जैसे कि जो हमारा ये कनेक्शन है वो 4850 किलोवाट का है, अगर हम MDI यहाँ 5000 किलोवाट यूज कर लेते तो यहाँ पर लिखा आ जाता कि आपने भैया ये ज़्यादा यूज कर लिया, मैक्सिमम डिमांड का इंडिकेटर आ जाता। दोस्तों अभी के केस में आप देखेंगे कि MDI की रेटिंग KVA में है,
अब केबीए से किलोवाट में कैसे कैलकुलेट करना है, मैंने एक पीडीएफ बनाई थी, उसके अंदर मैंने कुछ थंब रूल दिए थे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि केबीए से किलोवाट में कैलकुलेट करने के लिए हम केबीए में 0.8 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया है कि 10 केबीए है, उसको हम किलोवाट में कैलकुलेट करेंगे तो 10 × 0.8 कर देंगे, 8 किलोवाट हो जाएगा। अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ये 62 पेज का पीडीएफ है जो आप डाउनलोड कर। दोस्तों अगला मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है हमारा एमएफ। एमएफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। ये सीटी रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। अब इतने बड़े बड़े मीटर तो लगाएंगे नहीं, वो तो बहुत महंगे हो जाएंगे, तो हम छोटा मीटर लगा करके सीटी लगा देते हैं जो हमको 50 एम्पियर करंट फ्लो होने पर एक रीडिंग बढ़ा करके देगा। दोस्तों आप जिस भी इंडस्ट्री में काम करते हैं आपने नोटिस किया होगा कि केबीएच और केडब्ल्यूएच की रीडिंग ली जाती है हर 24 घंटे में एक बार, और इसका एक रिपोर्ट बनाई जाती है जिसको एचएलपी रिपोर्ट कहते हैं। एचएलपी का मतलब होता है हीट लाइट एंड पावर, कितना कंजप्शन हुआ 24 आवर्स में, कितना ऑक्यूपेंसी थी या कितने इक्विपमेंट चल रहे थे, वो सब एचएलपी से पता लगता है। अगली वीडियो में आपको एचएलपी के बारे में समझा दूंगा कि एचएलपी को कैसे बनाते हैं और क्या महत्व होता है एचएलपी का। दोस्तों जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है उसके अंदर दो रीडिंग कैलकुलेट होती हैं, एक केबीएच की और दूसरा केडब्ल्यूएच की। अब जो हमारा बिल आता है वो केबीएच के थ्रू आता है, पहले जो बिल आता था वो केडब्ल्यूएच के थ्रू आता था। पहले कंपनी कहती थी, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बोलता था कि आप भैया पावर फैक्टर पैनल लगाओ, लेकिन अब कंपनी कहती है आप लगाओ या मत लगाओ हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हम तो केबीएच से पैसा ले लेंगे। दोस्तों ये पावर फैक्टर क्या बला है, इसके ऊपर बहुत ही डेडिकेटेड और डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ, आप बस मेरे से जुड़े रहिए। आप यहाँ एक चीज नोटिस करिए कि जो केडब्ल्यूएच है और केबीएच है इसमें स्मॉल के दी है, क्यों नहीं यहाँ पर कैपिटल के दे दी। आपके मन में एक डाउट आ सकता है या जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे आपको पूछा जा सकता है कि केडब्ल्यूएच लिखते हैं तो स्मॉल क्यों बनाते हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए जो स्मॉल के होती है ये हमारी किलो की इकाई होती है, जो हमारा वेट होता है 1 kg 2 kg 3 kg वो kg हमारा स्मॉल के डिनोट करता है किलो को, और जो बड़ा के होता है कैपिटल के होता है वो केल्विन को डिनोट करता है। केल्विन एक टेम्परेचर स्केल होता है हमारी लाइट का, जैसे ये आप देखेंगे 2700 के, जिस लाइट पर 2700 के होगा वो वार्म वाइट होगी, जिस लाइट पर 3000 के लिखा होगा वो बिल्कुल वाइट जलेगी आपकी। ऐसे करके ये जो कैपिटल के होता है वो केल्विन की इकाई होती है और स्मॉल के होता है वो किलो की इकाई होती है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अब हम कैलकुलेशन समझ लेते हैं कि इस बिल में जो चार्ज लगते हैं, जो फिक्स चार्ज होते हैं, अदर चार्जेस होते हैं, उनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। दोस्तों आप देखेंगे कि जो हमारा ओल्ड रीडिंग है वो 1 दिसंबर 2021 को लिया गया है और जो नया रीडिंग है वो 1 जनवरी 2022 को लिया गया है। टोटल हमारा 31 दिन का रीडिंग है। MDI के बारे में मैंने समझा दिया। ऊपर आप देखेंगे KBH है और नीचे KWH है। इधर दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और 50 जो हमारा मल्टीपल फैक्टर है इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो KBH का रीडिंग ये आ जाएगा और KWH का रीडिंग यहाँ आ जाएगा। आप यहाँ देखेंगे कि KWH का रीडिंग KBH से 50 ज़्यादा है। तो हमेशा KWH से KBH का रीडिंग ज़्यादा आता है, ये बाई मिस्टेक। कभी कभी क्या होता है कि जब रीडिंग ली गई होगी तो रीडिंग लेते टाइम तुरंत जैसे ही एक यूनिट बढ़ा होगा तब रीडिंग ली होगी, और जब हमने जनवरी में रीडिंग ली है तब भी ऐसा ही हुआ होगा। अब दो रीडिंग एक पलक झपकते बढ़ जाए तो यहाँ पर 100 बढ़ जाएगा, 50 का फैक्टर है। तो जो हमारा यूनिट कैलकुलेशन होगा वो KBH के थ्रू होगा। एक बिल मैं आपको और दिखा देता हूँ, वहाँ आप इन दोनों का डिफरेंस बहुत ज़्यादा देख सकते हैं क्योंकि पावर फैक्टर ख़राब होगा। दोस्तों हमारी दूसरी कंपनी के बिल में आप देखेंगे कि KWH का रीडिंग है वो 87209 है और KBH का रीडिंग है वो 90570 है। तो इन भाई साहब ने क्या किया, इन्होंने ध्यान नहीं दिया, पावर फैक्टर इनका ख़राब हो गया तो KBH का रीडिंग बहुत ज़्यादा हो गया, लगभग 3300 यूनिट का दोनों में डिफरेंस है। अब आप देखेंगे जो मैं हमारा पुराना वाला बिल है उसमें मैं आपको दिखाता हूँ, हमारा पुराना वाला बिल का जो यूनिट है KBH का 2159 00, इसको उठा करके सीधा यहाँ ले आए और रेट है वो 6 रुपये 650 पैसे है, या हम इसको पढ़ेंगे 650 पैसा। हम पॉइंट के बाद हम एक एक
अक्षर पढ़ते हैं न कि 650। दोस्तों जब हम इन दोनों यूनिट को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा निकल कर के आएगा 14,35,735 रुपये। अब दूसरी साइड में देखेंगे एरियर्स आउटस्टैंडिंग फॉर द फाइनेंशियल ईयर, पिछले साल या पिछले महीने का जो भी बकाया होगा वो इन रुपये में जुड़ जाएगा। यहाँ 12 पैसे है। दोस्तों आप नीचे देखेंगे जो हमारा डिटेल ऑफ चार्जेस लिखा हुआ है करंट साइकिल, इसके नीचे जो फिक्स चार्ज है ये 9,06,202 रुपये 36 पैसे है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं ये एक स्टैंडर्ड है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप जब सर्च करेंगे दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम फिक्स चार्ज लिस्ट, तो यहाँ पर आपको एक PDF मिल जाएगी। PDF में जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ लिखा हुआ है अगर कनेक्शन 50 किलोवाट से ऊपर का है तो वहाँ 185 रुपये पर किलोवाट का चार्ज लगेगा। ये 1-2 रुपये कम ज़्यादा होता रहता है। यहाँ की कंडीशन में आप देखेंगे कि अगर आप इस फिक्स चार्जेस को निकालने के लिए जो हमारा टोटल किलोवाट है, जो हमारा सेक्शन लोड है 4850, उसमें 186 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 9,06,202 रुपये निकल करके आएगा। दोस्तों जो अगला पॉइंट है हमारा एनर्जी चार्जेस, जो ऊपर हमारा एनर्जी का रेट है 6,650 रुपये, इसको कैलकुलेट करके 14,35,735 रुपये आया, वही सेम टू सेम यहाँ लिख लिया। अब थोड़ा सा हम नीचे चलेंगे, यहाँ एक पॉइंट और होता है फ्यूल सरचार्ज, अभी इस बिल में इंक्लूड नहीं है लेकिन आपको कहीं कहीं ये देखने को मिलता है। ये पहले 37 पैसे था और अब आई थिंक ये 90 पैसे हो गया है। तो अब थोड़ा सा नीचे और चलेंगे तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी 10 पैसे पर यूनिट लगती है, कितनी यूनिट का आपने कंजप्शन किया वो भी मैं आपको इस हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की वेबसाइट से एक PDF डाउनलोड किया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ आप देख पाएंगे कि जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है वो 10 पैसे है। लेकिन दोस्तों रोमांचक बात ये है कि जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है वो हमारा KWH पे लगती है न कि KVH पे। अगर KWH का रीडिंग कम आएगा, यूनिट कम आएगा, तो वो उतने पर ही लगेगा। जैसे यहाँ देखोगे आप 21,5950 है तो यहाँ 10% का मतलब 1 जीरो हट जाएगा, तो यहाँ भी आप देखेंगे कि 21,595 हो गया है। तो जो नीचे है एक पॉइंट और म्यूनसिपल टैक्स, म्यूनसिपल टैक्स जो है वो हमारा फिक्स चार्ज और एनर्जी चार्ज का 2% लगता है। तो हम इसको ऐड करेंगे 90,62.36 प्लस 14,35,735 को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से भाग देंगे क्योंकि ये परसेंटेज में है, तो हमारा 46,83,8.75 निकल के आ रहा है। जब हम इन तीनों को चारों को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 24,10,371 रुपये 11 पैसे निकल के आएगा। यही पैसा हमारा इधर आ गया डिटेल अमाउंट पेबल में, कितना हमको पे करना है। ऊपर आपने देखा था कि जो हमारा आउटस्टैंडिंग थी वो 12 पैसे थी, तो वो 12 पैसे भी यहाँ पर ऐड हो गया है और ये अब जो हमारा करंट बिल है वो 24,10,371, यही हमको यहाँ मेन पॉइंट पर दिखाई दिया था स्टार्टिंग में। अगर इसको आप पे नहीं करोगे तो इस पर सरचार्ज लग जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट रह गया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना ऐसे यूजफुल वीडियो देखने के लिए। जल्दी ही मिलूंगा एक नई वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखना। जय हिंद।